नमस्कार सभी को, मेरा नाम है रोहित और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आदाब बुद्धा क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतर तरीके से आपकी चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत जो हमने अभी तक चीज़ें पढ़ी और क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसके अंतर्गत, जो सिंधु हमारा जो सिंधु नदी तंत्र चल रहा था, भारत के प्रमुख नदी बेसिन के अंतर्गत जो सिंधु नदी तंत्र चल रहा था, उस सिंधु नदी तंत्र में हमने झेलम नदी को देखा और झेलम से पहले हमने सिंधु को खुद पढ़ा था। सिंधु और सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में से हम इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियों की हम बात कर रहे हैं, और इस बाएं तट से मिलने वाली नदियों में से पहली जो नदी थी वो झेलम नदी थी। अब हम जो बात करेंगे वो चिनाब नदी के बारे में बात करेंगे। चिनाब नदी के विषय में हमको भी पढ़ना है कि चिनाब नदी, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है और इसको प्राचीन काल में किस नाम से भी जानते थे। अगर हम इसके बारे में बात करें कि प्राचीन काल में इसे किस नाम से जाना जाता था, तो आइए जानते हैं कि चिनाब नदी के बारे में, ठीक है। और एक एक क्लासेस आपको यहाँ मिलती रहेंगी, हमारे साथ आपको जुड़ करके चलना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। कष्ट प्रयास आपका यह रहना चाहिए कि जो जो भी क्वेश्चन हमारा आए, कैसे क्वेश्चन उठते हैं यहाँ से, मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चनों को पूछा जाता है। इस नदी से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाएगा इस विषय में भी हम आज बातें करेंगे। और इसके साथ साथ इस टॉपिक को मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा जिससे कि आपकी चीज़ें समझ में ज़्यादा आ जाएं, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो चिनाब नदी आप देख सकते हैं, और इसके अंतर्गत जो हमें सबसे पहले पढ़ना है चिनाब नदी को लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है, इसे प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे। सबसे पहले हम किसी के विषय में अगर पढ़ रहे हैं तो उसके विषय में हमें प्राचीन नाम को जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इस नदियों वाले चैप्टर में से प्राचीन से भी पूछ लिया जाता है कि इसका प्राचीन काल में नाम क्या था। और इनको जो हम देखें इतिहास के अंतर्गत एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक के अंतर्गत इसको हम रख करके वहाँ पढ़ते हैं। जैसे हम ऋग्वेदिक काल पढ़ते हैं तो ऋग्वेदिक काल में एक नदी सूक्त आता है, उस नदी सूक्त में यानी ऋग्वेदिक काल में जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद में एक नदी सूक्त दिया गया, उस नदी सूक्त में भारत की प्रमुख नदियों की बात करी गई है, जिसमें से 25 प्रमुख नदियां, जिसमें से 21 नदियों का उल्लेख अकेले ऋग्वेद के नदी सूक्त में किया गया है। और इन नदी सूक्तों की बात करें तो इन नदी सूक्तों में जो बताया गया है वो आज जो वर्तमान में आप नदी देख रहे हो, इन्हें प्राचीन काल में इन नामों से जाना जाता था, उन्हीं नदियों को हम पढ़ते हैं। और आज इनका आप स्वरूप आप देख सकते हो, जो प्राचीन को लेकर के आज वर्तमान में स्वरूप आपका चिनाब नदी। दो नदी मैंने आपको बता दी है, चिनाब नदी को हम देखेंगे। और चिनाब नदी जो हमारा इसका प्राचीन नाम है, आप प्राचीन नाम देख लीजिए कि इसका प्राचीन नाम क्या है, ठीक है। प्राचीन नाम चिनाब नदी को प्राचीन काल में जी किस नाम से जानते थे, तो आप सीधे आपके पास एक आंसर होगा कि चिनाब नदी को प्राचीन काल में अश्किनी नदी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? अश्किनी, ठीक है, अश्किनी नदी के नाम से। अश्किनी नदी के नाम से इसको प्राचीन काल में जाना जाता था। शायद आपको हो सकता है हमारी वीडियो अच्छी नहीं लग रही हो, क्योंकि हम देखिए डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर देते हैं और डायरेक्ट हम पढ़ाने पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, हम पे सीधे वो बकवास नहीं आती हैं कि इस तरीके से करना उस तरीके से करना, नहीं है। देखिए बहकाने बहकाना हमारे बस का नहीं है कि हम किसी को बहकाएं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ों को समझिए, एक बार सोचिए और देखिए कि क्या ये हमारे यूजफुल हैं, हमारे लायक हैं या नहीं है, आप उसके बाद ज्वाइन करो, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो अभी हमें जानकारी रखनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि भविष्य में हम नहीं तो किसी और के तो काम आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं नहीं तो कौन बे, ऐसा मत सोच लेना, ठीक है। चलिए, तो इसका प्राचीन नाम अस्कनी है, और इसे किस काल में अस्कनी नदी के नाम से जाना जाता था, तो आप क्या कहेंगे जी? इसे ऋग्वेदिक काल में, किसमें जी? ऋग्वेदिक, ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में इस नाम से जाना जाता था जिसे हम अश्किनी कहते हैं। तो ऋग्वेदिक काल में इसे अश्किनी के नाम से जाना जाता था, और प्राचीन नाम इसका अश्किनी था, तो वर्तमान नाम इसका
चिनाब नदी है। आइए जानते हैं इसके उद्गम के बारे में कि इसका उद्गम कहां से हुआ। उद्गम, उद्गम मतलब स्रोत की कहां से निकलकर आई थी ये नदी, कहां से निकलकर आती है, इसका उद्गम कहां से है और कहां जाती है और किस स्थान पर किसमें मिलती है, इसको हम देखना है। तो अगर हम इस नदी के उद्गम की बात करें कि चिनाब नदी का उद्गम कहां से कहां तक है, तो देखिए जम्मू कश्मीर में एक स्थान पड़ता है और एक झील पड़ती है जिसे हम बैरीनाग झील कहते हैं। कहाँ जी? जम्मू कश्मीर में एक बैरीनाग झील है, बड़ा लाचा दर्रे के पास से निकलती है हिमाचल, ठीक है, ये जो आपके सॉरी बैरीनाग झील नहीं, ये बड़ा लाचा दर्रे के पास से निकलती है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है, जम्मू कश्मीर नहीं, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। बाई मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है। इसकी बात करें कि इसका उद्गम कहाँ से है, तो इसका हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, मैं आपको सीधा वही लिख देता हूँ दर्रा। तो भाई साहब यहाँ पे जो चीजें हैं वो है बड़ा लाचा, बड़ा लाचा, बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है, बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है, बड़ा लाचा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थित है और जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई की अगर हम बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 4843 मीटर। कितना है? बड़ा लाचा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कहाँ है जी? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है बड़ा लाचा दर्रा और यहीं से निकलती है आपकी चिनाब नदी। मैंने अभी जो आपको बैरीनाग झील बताया था वहां से आपके झेलम नदी निकलती है। बाई मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा मेरे से कि मेरे दिमाग में थोड़ी देर के लिए वो आ गया था कि मैं सोच रहा था कि मैं झेलम नदी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है ये नदी और ये कहाँ स्थित है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है और कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो इसकी ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से ऊंचाई जो है, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई, कभी कभी ऊंचाई पूछ लेता है, ऊंचाई इस ऊंचाई की बात करें तो इसकी है 4843 मीटर। 4843 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसे बोलते हैं बड़ा लाचा दर्रा और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4843 मीटर और यहीं से निकल कर आती है आपके चिनाब नदी। यहां तक हो गया। अब जो हमने यहां तक ये चीजें पढ़ ली हैं तो हम आगे जानेंगे कि क्या वास्तव में इस नदी की लंबाई कितनी है और ये भारत में इसकी लंबाई कितनी है और इसके साथ साथ पाकिस्तान में इसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये नदी भारत वाले क्षेत्र से निकलती है हिमाचल प्रदेश से और जब हिमाचल प्रदेश से निकलेगी तो एक अंतर्राष्ट्रीय नदी मानी जाएगी। ये अंतर्राष्ट्रीय नदी क्यों है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नदी के बारे में मैंने बताया भी था कि अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो एक देश से तो निकलती हैं, इसके साथ साथ किसी अन्य देश से भी होकर निकलती हैं, तो ये दो देशों से बहती हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया जाता है। तो हम जानेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, कि कुल लंबाई की बात करें कि भाई साहब इस नदी की लंबाई कितनी है। इस नदी की लंबाई की अगर हम बात करें कि भाई साहब इस नदी की लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे सर हमें पहले कुल लंबाई बता दीजिए, कुल लंबाई कितनी है, उसके बाद आप डिसाइड कर देना कि भारत में कितना भेजना है और पाकिस्तान में कितना भेजना है, ठीक है। तो देखिये ये हमारे हाथ में नहीं है कितना भेजना है, पूरे लंबाई की बात करें तो 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुल लंबाई की बात करें तो 1180 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, यानी चिनाब नदी की कुल लंबाई की बात करें जो 1180 किलोमीटर है, इसमें से अगर हम भारत के हिस्से की बात करें कि भारत का हिस्सा कितना है और इसका पाकिस्तान में कितना है, तो भारत में देख लेना मेरे भाई, भारत या भारतीय क्षेत्र में जो हिस्सा है वो कितना है, भारतीय क्षेत्र वाला हिस्सा वो है आपका 725 किलोमीटर। 725 किलोमीटर लंबाई में भारत में बहती है और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो बहती है तो कितना है जी, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में 455 किलोमीटर। 455 किलोमीटर लंबाई में पाकिस्तान में प्रवाहित होती है और जबकि भारत में जो इसका प्रवाह है वो 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वैसे लंबाई सामान्यतः पूछता नहीं है लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं बताऊं आपको लंबाई को लेकर के, ठीक है। यहाँ तक आपकी चीज़ें समझ आ गई होंगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ आया होगा
क्लासेस अगर अच्छी लग रही हैं तो इस क्लासेस क्लास को आप शेयर कर दीजिए, और ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जा कर के देखिए, आपको और भी सारी क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगी। मैं आपको बेसिक्स से लेकर के बहुत आगे तक आपको पढ़ाऊँगा। बहुत सारे ऐसे इफेक्ट होते हैं और मैपिंग के माध्यम से इफेक्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो इसमें हमने लंबाई की बात करी थी, अब बात करते हैं कि जब लंबाई होती है इस नदी का तो इस नदी का कुछ अपवाह क्षेत्र भी होता है। अपवाह क्षेत्र कितना है, यानी हम इस नदी के अपवाह क्षेत्र की बात करें कि अपवाह क्षेत्र कितना है, तो अपवाह क्षेत्र भी देख लीजिए। अपवाह नदी का अपवाह कितना है, तो देखिए इस नदी का जो कुल अपवाह है वो 26,755 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। इसके आसपास है जी, कुल की बात करें तो कुल भारत और पाकिस्तान दोनों को मिलाकर के कुल कितना है, 26,755 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस नदी का कुल अपवाह क्षेत्र जो भारत और पाकिस्तान दोनों को मिलाकर के बनता है कितना है जी, भारत व पाकिस्तान, ठीक है, भारत व पाकिस्तान, ठीक है, दोनों देशों में भारत व पाकिस्तान दोनों देशों में जो कुल अपवाह है इसका दोनों देशों में, ठीक है, दोनों देशों में जो इसका अपवाह है वो कितना है, वो है आपके 26,755 किलोमीटर स्क्वायर। मैंने अपवाह क्षेत्र की बात करी थी, आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, वहां पर मैंने आपको अपवाह क्षेत्र के बारे में बताया था। आप सोच रहे होंगे कि अब इनके याद नहीं है, मेरे अभी भी याद है। मैं चाहता हूं कि आप पहले पिछली वाली वीडियो देख कर आइए, अगर वहां समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अपवाह बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे याद नहीं है, मेरे याद अभी भी है बहुत ज्यादा। अपवाह क्षेत्र मुझे पता है क्या होता है, लेकिन आप पहले पिछली वाली वीडियो देख कर आइए, आप अपवाह के बारे में जान जाएंगे अच्छी तरह से। आसान साधारण शब्दों में मैंने बताया कि अपवाह क्या होता है, किसी नदी का अपवाह क्षेत्र। अपवाह से आप समझ लीजिए कि अपवाह जैसे कि किसी की बातें होती है, कहते हैं ना गांव में अपवाह फैल गई, तो अपवाह का मतलब फैलना। इसका फैलाव कहां तक है, अपवाह फैलाव कहां है, इसका फैलाव कहां तक होगा, आप अपवाह देखिए जाकर के। अपवाह क्षेत्र क्या होता है, वही है इसका, ये 26,755 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखना, इस नदी पर कुछ परियोजनाएं बनी हुई है, याद रखना। और पहले हम उसको देखने से पहले हम इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी देखेंगे, जो नदी ये कहाँ पर आकर के संगम बनाती है, और इसमें चिनाब नदी कब जाकर के आपके झेलम में मिलती है, तो झेलम नदी में कहाँ पे संगम बनाती है, किस स्थान पे झेलम नदी में मिलती है, ठीक है, मिल जाती है, और कौन सा क्षेत्र है वो, पाकिस्तान का कौन सा स्थान है, तो इसको हम लेकर के भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी हम देखते हैं कि इस नदी के कुछ प्रमुख परियोजनाएं बनी हुई हैं, उन परियोजनाओं को हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, प्रमुख परियोजनाएं। ठीक है, इस नदी की कुछ प्रमुख परियोजना, इस नदी की कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं, और उन परियोजनाओं की बात करें तो देखिए पहली परियोजना है तलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगली थार परियोजना। यानी इस नदी पर तीन प्रमुख परियोजनाएं बनी हुई हैं, परियोजनाएं मतलब इस पर तीन प्रमुख बांध बने हुए हैं, उन बांधों पर परियोजनाएं बनी हुई हैं, जिनमें से एक का नाम है सलाल, एक का नाम है दुलहस्ती, एक का नाम है बगलीहार। बगलीहार इस नदी पर बनी हुई सबसे बड़ी परियोजना है, जो लगभग कम से कम आपके 144.5 मीटर ऊंचा बांध बना हुआ है इस नदी पर, और ये जो है आपके 450 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है। कब बना था, ठीक है, और कहां स्थित है, मैं सब एक एक चीज आपको यहां पर डिफाइन कराऊंगा, बताऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहना है सबको। ठीक है, चलिए तो पहली हमारी परियोजना की बात करें तो बगलीहार परियोजना है, और ये परियोजना की बात करें तो बगलीहार, पहले हम बात करेंगे सलाल परियोजना। ठीक है, आइए जानते हैं सलाल परियोजना के बारे में। पहली परियोजना है, उस परियोजना को जानते हैं हम, सलाल परियोजना। क्या है जी, सलाल परियोजना। ठीक है, दूसरी परियोजना है नंबर दो की बात करें तो ये दुलहस्ती। तीसरी कौन सी है, तीसरी की बात करें तो इसका नाम है बगलीहार। ठीक है, बगलीहार परियोजना। तीन प्रमुख परियोजनाएं हैं, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलीहार परियोजना। तीन परियोजनाएं मेरे भाई कहां पर बनी हुई हैं, चिनाब नदी पर बनी हुई हैं। मैंने कहा था ना, बहुत आसान शब्दों में आपको समझाता चलूंगा, मेरे साथ आपको जुड़े रहना है। तो तीन परियोजनाएं बनी हुई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सलाल परियोजना
इसकी प्रस्तुति कब हुई थी और कब ये बनने का तैयार हुई थी और कब से शुरू होना शुरू हो गई थी। तो देखिए बात करें इसमें, इस परियोजना की बात करें तो इसकी परिकल्पना 1920 में करी गई थी। इस परियोजना की बात करें तो यह परियोजना 1920 में इसकी परिकल्पना की गई थी और इस परियोजना का निर्माण कार्य 1961 में शुरू हुआ, यानी इसकी जो रिपोर्ट थी उस पर अध्ययन किया गया था 1961 में। और 1970 की बात करें तो 1970 में इस पे निर्माण कार्य शुरू हुआ। अब कैसे देखिए, मैं थोड़ा सा यहां से ले लेता हूं और जिससे कि आपको चीजें समझ आए। देखिए ये आपके सलाल परियोजना है और इस परियोजना को मैं यहां लेकर आता हूं। और इसमें क्या था, इसका जो इस परियोजना की परिकल्पना की बात करें तो इस पे परिकल्पना जो की गई थी, परिकल्पना परिकल्पना ठीक है, इसकी कल्पना की गई थी 1920 में। 1920 में इस परियोजना की सिर्फ परिकल्पना की गई थी और यह माना गया था कि ये ऐसी एक परियोजना होनी चाहिए। देखिए भाखड़ा नागल बांध जो बना हुआ था, भारत का सबसे बड़ा बांध है ये, ठीक है, गुरुत्वीय बांध है, सबसे बड़ा बांध है गुरुत्वीय। ये बना था आपके 1948 में। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध। आपको पता है सतलज नदी पे बना हुआ है, सतलज नदी भी आगे चलेंगे हम तो, सतलज नदी पे बना हुआ है ठीक है। और भाखड़ा नागल बांध 1962 में वो पूरा हो गया था, 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जी के द्वारा उसका उद्घाटन हो गया। तो हम बात करें इसकी परिकल्पना, लेकिन इस पे अध्ययन जो शुरू हुआ था, इस रिपोर्ट या इसकी एक रिपोर्ट बनी, इस पे जो अध्ययन शुरू हुआ, तो अध्ययन शुरू की बात करें तो अध्ययन यानी इसको लेकर के बात हुई थी कि क्या ये बांध होना चाहिए, तो अध्ययन शुरू हुआ था 1961 में, 1961 में। और लेकिन उसके बाद इस पे निर्माण कार्य की बात करें, निर्माण कार्य शुरू हुआ था इस परियोजना का, तो निर्माण कार्य देख लीजिए आप, निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था, तो निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1970 में। 1970 में निर्माण कार्य इसका शुरू हो गया था। इसके बाद ये परियोजना बनी और बनने के बाद आज आप देख सकते हैं कहाँ पर स्थित है ये तीनों की तीनों परियोजनाएं। इसकी बात करें तो तीनों की तीनों जम्मू कश्मीर में स्थित है। मैं लिखूंगा यहाँ पे, आप टेंशन ना ले, एक एक चीज को मैं आपको बताऊंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, आप मेरे साथ बस जुड़े रहें। हिस्ट्री और आपको ज्योग्राफी जो आपको समझ आ रही होगी, बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रही होगी और आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ भी रहे होंगे मेरे साथ जुड़ करके, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, मेरा नाम रोहित है, बुद्धा एकेडमी हमारा चैनल है। ये हमारी एकेडमी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एकेडमी है। ऑफलाइन एकेडमी हमारी खुर्जा में है, खुर्जा बुलंदशहर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में खुर्जा है। और खुर्जा में आप जानते हैं पोल्ट्री उद्योग के मामले में ठीक है फेमस भी है, नाम भी आता है खुर्जा का। आप खुर्जा सर्च मार लीजिए, नेट पर सर्च कर लीजिए, बुद्धा एकेडमी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आइए, श्रीराम कॉम्प्लेक्स NREC डिग्री कॉलेज के सामने है बुद्धा एकेडमी। जो भी यहाँ पर आसपास क्लासेस देख रहे हैं वो हमसे डायरेक्ट आकर के सीधे ऑफलाइन क्लास में मिल सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी होती हैं, इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी होती हैं। तो हमारे साथ पास आइए, आप एक बार ऑफलाइन डेमो अवश्य लेने आए। हो सकता है कि आपको ऑनलाइन समझ में नहीं आए, तो एक बार ऑफलाइन डेमो लेने अवश्य आए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं दुलहस्ती परियोजना की बात करें तो देखिए दुलहस्ती परियोजना की बात करें तो इसे 1985 में शुरू किया गया था, याद रखना। तो यह परियोजना 1985 में शुरू की गई थी, दुलहस्ती परियोजना। कब जी? 19 दुलहस्ती परियोजना 1985 में शुरू की गई, 1985 में शुरू की गई थी। अब बात आती है हमारी बगलिहार परियोजना की, तो बगलिहार परियोजना की बात करें तो भाई साहब याद रखना, बगलिहार परियोजना इसके लिए स्वीकृति की बात करें या फिर कब बनी थी इसको लेकर के हम डिमांड करें या सॉरी इसके लिए बात करेंगे तो इसकी प्रस्तुतिकरण की बात करी गई थी कि कब यह बननी चाहिए। तो इसकी परिकल्पना की जो परिकल्पना पर जो अध्ययन किया गया था बगलिहार परियोजना पर 1991 पे इस परियोजना पर अध्ययन किया गया था। 1996 में इसको स्वीकृति मिली और 1999 में यह परियोजना बननी शुरू हो गई। तो परिकल्पना की बात करें तो बगलिहार परियोजना कौन सी है जी? ठीक है, ये क्या है? बगलिहार, ठीक है। अध्ययन यानी इसको स्वीकृति कब मिली? स्वीकृति 1996 में मिली और 1999 में निर्माण कार्य शुरू हो गया था। लेकिन परियोजना की जो कल्पना की गई थी वो कब की गई थी? परियोजना की कल्पना, ठीक है, परियोजना की कल्पना जो की गई थी 1991 में। और इसको स्वीकृति कब मिली थी? स्वीकृति मिली थी जिसको 1996 में, ठीक है। लेकिन निर्माण कार्य शुरू कब हुआ था? निर्माण शुरू हुआ था ऐसा 1999 में, याद रखना।
1999 में कार्य शुरू हो गया था, 1991 में इस पर परिकल्पना पर स्वीकृति मिली, सॉरी परिकल्पना की गई थी इसकी, ये बांध होना चाहिए, बनना चाहिए चिनाब नदी पर, और 1996 में इसको स्वीकृति मिली और 1999 में निर्माण कार्य शुरू हो गया था। ये पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये परियोजनाएं किस नदी पर बनी हुई है, जैसे कि आपसे पूछा जाए बगलिहार परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तलाल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। अब आप कहोगे जी इनमें हमको कंफ्यूजन कर दिया आपने, देखिए वहां पे कहेगा कि इस परियोजना की परिकल्पना कब की गई थी, 1991। स्वीकृति की बात करें कि इसको मंजूरी कब मिली, मंजूरी की बात है 1996 में, और इसी के साथ साथ इसकी बात करें तो भाई साहब इसका निर्माण कार्य 1999। वैसे बगलिहार परियोजना पूछी जाती है, ये इस नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है, और बगलिहार परियोजना सबसे बड़ा बांध है इसी के साथ साथ, और इसकी ऊंचाई 144.5 मीटर है और 405 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है, और ये तीनों ही परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में स्थित है, तलाल बगलिहार दुलस्ती तीनों ही कहाँ स्थित हैं, ये परियोजनाएं भाई साहब तीनों की तीनों कहाँ है, ये जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में तीनों परियोजनाएं, तीनों परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखना, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं कि यह नदी कहां पर जाकर के किससे मिलती है, तो एक नोट पॉइंट यहां पर कर लीजिए आप, ठीक है, देखिए नोट लिख लेना, यह नदी पाकिस्तान के, यानी पाक लिख देता हूं, पाकिस्तान के तिरमू नामक स्थान पर, ठीक है, झेलम में मिल जाती है, यह नदी तिरमू नामक स्थान पर झेलम में जाकर मिल जाती है, और यह नदी दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है इसमें, यह नदी मध्य हिमालय तथा पीर पंजाल हिमालय, यानी महान हिमालय तथा पीर पंजाल हिमालय को भी अलग करती है, ठीक है, किसको, पीर पंजाल व महान हिमालय दोनों को अलग करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पीर पंजाल हिमालय और महान हिमालय दोनों के मध्य कौन सी नदी बहती है, अच्छा मैं उंगली नहीं दिखा रहा हूँ, टेंशन ना लें, ठीक है, वो थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, महान हिमालय और आपके पीर पंजाल हिमालय के मध्य जो नदी बहती है उस नदी का नाम है आपके झेलम नदी। आप एक बार पूरे तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे आप इसको नोट करके चल सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा के अनुसार ही है, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। बस मेरे अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल के साथ बने रहें, मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, आपको वीडियो अच्छी लगेगी खुद करके जाओगे, मैं लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी आप लाइक खुद करोगे, ठीक है, हमारे कहने से अगर आप करोगे तो देखिए वो क्या है कि आप हमारे कहने से तो कर लोगे लेकिन आप वीडियो नहीं देखोगे तो इससे कोई फायदा नहीं है। सब्सक्राइब आप कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अन्यथा आप जा सकते हैं, आप नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हमारे साथ जुड़े भी रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप पढ़ाई से संबंधित आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है आप कमेंट में लिख दीजिए, यहाँ से मेरी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, निश्चित ही आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि हम कमेंट का जवाब नहीं देंगे, बिल्कुल आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, बुद्धा अकेडमी से जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए, और जो बच्चे जो स्टूडेंट खुर्जा के आसपास वाले क्षेत्र से हमें देख रहे हैं हमारी ऑफलाइन अकेडमी में आके जुड़ सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको फिलहाल में आपको तीन टीचर ही दिखाई दे रहे होंगे लेकिन हमारी 7 यानी 8 टीचरों की टीम वहाँ पर मौजूद है, 8 टीचर बुद्धा एकेडमी में प्रेजेंट हैं, इसमें से कंप्यूटर के अलग टीचर रखे गए हैं, रीजनिंग के अलग टीचर रखे गए हैं, इंग्लिश के अलग टीचर हैं, मैथ के अलग टीचर हैं, मैथ के 3 फैकल्टी हमारे पास हैं, 2 आपको दिखाई दे रही होंगी, एक अभी आपके आई नहीं है, मैथ के हमारे एक हिमांशु सर हैं और अनिल सर आपको पता ही है प्रैक्टिस सेट भी लगवाते हैं और आपको मैथ की क्लासेस भी अवेलेबल हैं उनकी, ठीक है, और इसी के साथ साथ एक हमारे सर और हैं मैथ के, चिंटू नाम है उनका, चिंटू सर, ठीक है, आप उनसे उनके वहाँ पर आइए, आप यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस की क्लास करना चाहते हैं तो उनके लिए स्पेशल टीचर रखे गए हैं जो दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस का सिलेक्शन भी दिलवा चुके हैं कई बार,
बहुत सारे स्टूडेंट उनके ऐसे हैं जिनको सिलेक्शन वो दिलवा चुके हैं, तो आप ऑफलाइन में आइए और जल्दी ही वो इस प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाई देंगे चिंटू सर, और SSC CGL इनके लिए जो सिलेक्शन दिलवा चुके हैं वो हिमांशु सर और अनिल सर दोनों ही प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयास लगातार जारी हैं और सिलेक्शन भी वो दिलवा चुके हैं। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।